Hi friends, welcome back to my channel and a very good morning to everyone. साढ़े छः बजे हैं और मैं सुबह सुबह उठकर ही आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैंने कल नर्सरी से कुछ प्लांट्स खरीदे हैं तो आपसे मुझे जल्दी जल्दी वो सब शेयर करना है. तो मैं सारे प्लांट्स आपको दिखाऊंगी और उनके प्राइस भी बताऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. सबसे पहले आप देख रहे हैं ये एक सिंगोनियम प्लांट है और इसका कलर जो है वो कुछ स्नो वाइट की तरह है पत्तों का कलर और ग्रीनिश भी है. तो ये वैरायटी मेरे पास नहीं है. मेरे पास सिंगोनियम्स के बहुत सारे वैरायटीज़ हैं. तो आप देख सकते हैं कि ये इसका शेप जो है प्लांट का बहुत कम्पैक्ट है और बहुत अच्छा लगा मुझे. तो ये एक प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है और आप इसके रूट्स देखिए कितने अच्छे से बाहर आ रहे हैं रूट्स. तो ये प्लांट 150 बता रहे थे लेकिन मैंने इसको 130 में ख़रीदा है. तो काफ़ी हेल्दी प्लांट है. अभी मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा प्लांट. ये देखिए ये एक फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है लेकिन सब लोग इसको मनी प्लांट बोलते हैं लेकिन एक्चुअली में ये एक फिलोडेंड्रॉन की फैमिली से बिलोंग करता है और इसको फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील बोलते हैं. देखने में काफ़ी हद तक ये मनी प्लांट की तरह ही लगता है और इसको हैंगिंग प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं और मॉस्टिक्स में भी हम इसको चढ़ा सकते हैं. तो इसके पत्तों में जो वेरिएशंस है आप देखिए कितने खूबसूरत हैं. बहुत सुंदर प्लांट है. इसको भी मैं इंडोर्स में रखने वाली हूँ. वैसे जितने सारे मैंने प्लांट्स खरीदे हैं सारे इंडोर प्लांट्स ही मैं लाई हूँ. और आपको दिखाती हूँ ये देखिए ये और एक सिंगोनियम लाई हूँ मैं. ये पिंक वाली कितनी खूबसूरत पत्ते हैं देखिए. तो सिंगोनियम के बहुत सारे वैरायटीज पाए जाते हैं तो हर वैरायटी की अपनी ही खूबसूरती होती है. तो ये प्लांट जो है बहुत छोटा सा प्लांट है और ये मुझे मिला है 80 रुपीज़ में. ये सब मैं डेस्कटॉप टेबल टॉप के लिए लाई हूँ. तो अभी मैं दिखाती हूँ और एक प्लांट. ये देखिए ये एलोकेशिया है. आप लोग पहचानते ही हैं. ये वैसे बहुत छोटा सा पौधा है. मैं बड़ा पौधा ढूंढ रही थी लेकिन यहाँ पे नर्सरीज में बहुत बड़ा साइज़ का पौधा फ़िलहाल नहीं मिल रहा है. तो कोई बात नहीं, इसको ही मैं ग्रो करके एक बड़ा पौधा बना दूँगी. और ये पौधा जो है मुझे 100 रुपीज़ में मिला है. एलोकेशियास वैसे महंगे आते हैं. बड़े साइज वाले जो है वो 250-300 रुपया बोलते हैं. चलिए अगला प्लांट दिखाती हूँ. ये देखिए ये मैंने एक फर्न ख़रीदा है. कितना खूबसूरत है देखिए फर्न. और ये भी एक छोटा सा प्लांट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. और ये प्लांट मुझे पड़ा 100 रुपीज़. फ्रेंड्स ये अगला प्लांट देखिए. ये है एक स्नेक प्लांट और इस वाली वैरायटी को बोलते हैं बर्ड्स नेस्ट. तो बर्ड्स नेस्ट का ग्रीन वाला कलर मेरे पास ऑलरेडी है तो ये वाली वैरायटी मैं ढूंढ रही थी और मुझे ये मिल गया. और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके साथ एक बेबी भी निकला है देखिए. वैसे ये प्लांट जो है बेबीज़ देने में बहुत टाइम लगाता है. इसके पप्स जो है बहुत टाइम के बाद ही निकलता है. बहुत स्लो ग्रोथ करता है तो अच्छी बात है कि मुझे ऑलरेडी एक पप इसमें मिल गया है. फ्रेंड्स इस प्लांट के साथ मैं ये प्लांटर भी मैं ख़रीद के लाई हूँ ये देखिए. और ये प्लांटर मुझे 170 रुपीज़ पड़ा. 250 बता रहे थे. बहुत महंगा बोलते हैं यहाँ प्लांटर्स जो है बहुत महंगे आते हैं. और इसको मैं ऐसे इसके अंदर डाल के रखने वाली हूँ. देखिए कितना सुंदर लगता है इसके साथ. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अगला प्लांट.
ये देखिए, ये मैंने एक प्रेयर प्लांट ख़रीदा है, इसको कैलेथिया भी बोलते हैं। और कैलेथियास के बहुत सारे वैरायटीज़ पाए जाते हैं। और ये पॉट के साथ मुझे ये प्लांट पड़ा 170 रुपीज़। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा सबसे फेवरेट प्लांट। ये देखिए, ये मैंने ख़रीदा है एक रबर प्लांट, वेरीगेटेड रबर प्लांट। वैसे मेरे पास बरगेंडी वाला ऑलरेडी है, तो ये प्लांट मैं ढूंढ रही थी। मैं जब पिछली बार गई थी नर्सरी में तो मुझे नहीं मिला था, लेकिन इस बार जब मैं गई तो मुझे ये मिल गया और मैं बहुत खुश हुई। और कितना खूबसूरत है देखिए, इसके पत्तों में जो वेरीगेशन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, ये प्लांट जो है इसमें दो स्टेम्स है। ये देखिए, एक छोटा सा स्टेम इस साइड से निकला है। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से एक छोटा सा टिप मैं देना चाहती हूँ, जब भी आप कोई प्लांट खरीदते हैं तो ऐसा प्लांट आपको चुनना चाहिए जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस हो। पॉसिबल हो तो आप ऐसा प्लांट खरीदिए, अगर अवेलेबल है तो आप ऐसा ही प्लांट चुनिए जहाँ पर आपको ये दो तीन ब्रांचेस मिल जाए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये प्लांट आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये प्लांट जो 150 बोल रहे थे नर्सरी वाले, और लेकिन मैंने इसको 120 रुपीज़ में ख़रीदा है। और ये एक छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ है। फ्रेंड्स, इस प्लांट को लगाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का पॉट ख़रीदा है। देखिए, ये ग्रीन कलर का प्लास्टिक का पॉट, और ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला ये पॉट। वैसे प्लास्टिक पॉट्स के मैं इतने फेवर में नहीं हूँ, लेकिन इंडोर्स में रखने के लिए चल जाते हैं। आउटडोर्स के लिए प्लास्टिक के पॉट्स उतने अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो गर्म हो जाता है धूप में रखने से, और रूट्स को जो है वो नुकसान पहुँचाता है। तो आप मिट्टी के गमले ही आउटडोर्स के लिए चुनिए, ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं। वैसे सेरेमिक पॉट्स भी अच्छे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही सारी शॉपिंग करी है मैंने। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।